कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 8 वाक। हेलो क्लास, आज हम क्षितिज का पाठ 8 करेंगे। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे वाक। ठीक है, लेकिन ये जो वाक है ये किसके द्वारा लिखित है? ललितदत्त के। अब ये कवित्री जो थी ये थी कौन? कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललितदत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, ये एक कवित्री है, ललितदत्त उनका नाम है। उनका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर में पाम्पोर के सिंपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललितदत्त को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललितदत्त के काव्य शैली को वाक कहते हैं। अब उन्होंने जो काव्य शैली लिखी है उसे वाक कहा गया है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललितदत्त के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललितदत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललितदत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले वाक में उन्होंने जो लिखा है, पहले वाक में ललितदत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं उसकी व्यर्थता की चर्चा करी है। मतलब उनको जो मतलब जो भी प्रयास करे हैं ईश्वर को पाने के लिए वो सब बेकार बताए हैं। दूसरे में आपको बताया गया है कि बाह्य डंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है ना? मतलब अपने मन में ही ईश्वर को खोजना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। सत्कर्म यानी जो भी हम अपने पूरे जीवन में कर्म करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललितदत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ओके, तो यहाँ पर आता है इसका जो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर वाक किसे कहा गया है? वाक को वाणी भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चार पंक्तियां हैं, ठीक है, इन पंक्तियों में जो बद कश्मीरी शैली है, मतलब जो लिखी हुई कश्मीरी शैली है उसकी गेय रचना है, उसे वाक कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है रस्सी कच्चे धागे की, यानी जो कमजोर हो, ठीक है, या जो नाशवान हो। और नाव किसे कहा गया है? जीवन रूपी नाव को। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर? कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे किसे कहा गया है? जो स्वाभाविक रूप से कमजोर हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो संदर्भ होगा उसमें तो बच्चों आप यही लिखोगे कि ये जो वाक है ये हमारे सॉरी ये जो पदे है ये हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ वाक से लिया गया है। इसकी कवित्री ललितदत्त है। ठीक है, इसके प्रसंग में आप लिखोगे, इस पद में
इस पद्य में ईश्वर मिलन की प्रयासों की हीनता का उल्लेख किया गया है। अब इसकी जो व्याख्या है, इसमें कवित्री जो है वो हमें क्या बता रही है कि कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने जो उन्होंने इंतजार करा है ना ईश्वर से मिलने का इंतजार, और जो उनका प्रयास है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। कवित्री ने नाव की तुलना किससे करी है? अपनी जिंदगी से, है ना, अपनी जिंदगी से करते हुए वो ये कहती हैं कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा, है ना, अपनी सांसों के द्वारा चला रही हैं। जो कच्ची डोरी है वो सांसें हैं, मतलब वो कभी भी टूट सकती है। वो इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कब प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले जो भी प्रयास है उसको कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है ना, मतलब उसका एक निश्चित समय होता है हर एक प्राणी का कि वो तब तक ही जीवित रहेगा। तो उसके बाद उसे अपना जो शरीर है उसको त्यागना पड़ता है ना। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहती हैं कि उससे नित्य पानी टपक रहा है। नित्य यानी हर दिन पानी उसमें से टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन हर दिन उनकी जो उम्र है वो कम होती जा रही है। उनके द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए जितने भी प्रयास थे वो सब व्यर्थ होते जा रहे हैं, यानी सब बेकार हो गए हैं, है ना। मतलब जो भी वो पूजा पाठ करती थी, जो भी व्रत रखती थी, इस तरीके से ये जितने भी बाहरी आडंबर होते हैं संसारिक, वो सब उसमें लगी रही है वो, है ना। वो सब किया उन्होंने लेकिन उनको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात उनकी मृत्यु जो है वो समीप आ गई है। इसलिए उनका जो मन है वो और भी ज्यादा व्याकुल हो गया है, उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। ठीक है, तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम इसके देखेंगे, जैसे यहाँ पे बच्चों प्रसंग में मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो कि ईश्वर मिलन के प्रयासों का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है ना। और इसका जो विशेष है इसमें, मतलब क्या क्या इस पद्य में आपने जो भी पढ़ा उसमें क्या विशेष है, उसमें आप ये लिख सकते हो कि भक्त जो है वो हृदय भक्त हृदय का परमात्मा से मिलन न हो पाने का कष्ट प्रकट हुआ है इसमें, है ना। रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, भाषा जो है वो सरल सुबोध है। इसका दूसरा पद्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर जो सम है वो किसे कहा गया है? अंतःकरण को, ठीक है। और जो संभावी है वो क्या है? समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है? मन का मुक्त होना, है ना। तो इसका जो प्रसंग है वो ये है, इसमें कवित्री ने हमें क्या बताया कि अहंकार को त्याग कर ही हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो अब इसकी जो व्याख्या है, इसमें इन पंक्तियों में जो कवित्री है उन्होंने जीवन में संतुलन की महत्ता को बताया है, मतलब बैलेंस्ड रखना चाहिए हमें अपने जीवन में। वे कहती है कि हम संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे। अब संसारिक विषय वासनाएं क्या है ना, जो भी हम संसारिक चीजें होती है ना, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं उनमें लगे रहते हैं, है ना, कि हमें ये अच्छा लग रहा है, या फिर ईश्वर को पाने के लिए हमें कोई तप करना है, कोई व्रत करना है, या फिर ऐसी पूजा पाठ करनी है दूसरों को दिखाने के लिए। तो उस चीज के लिए उन्होंने कहा है कि हम उन चीजों में डूबे रहेंगे तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि अगर हम संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इसमें भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि अगर हम मोह माया में लगे रहेंगे
तो भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर हम मोह माया को भी त्याग दें, फॉर एग्जाम्पल त्याग कर दें सारी चीजों का, है ना, और तपस्या में लगे रहें, साधु संत बन जाए, तो भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। मतलब दोनों ही तरफ हमें लाभ नहीं होगा। अब वो क्या बताती हैं इसका सोल्यूशन, कि भोग का पूरी तरीके से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा। अगर हम सब कुछ त्याग भी कर देंगे तो भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कारण कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत है। मतलब उन्होंने ये दोनों ही रास्ते गलत बताए हैं। जब हम संसारिक भोग, जो संसारिक भोग है, उससे तृप्त रहते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान से वैसे भी दूर ही रहते हैं, है ना। और इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार रूपी जो अज्ञान है वो आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए कवित्री हमें संतुलन यानी बैलेंस बनाने को यहाँ पर कह रही है, अर्थात बीच का मार्ग, मतलब इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाने को कह रही है। मतलब ना तो आप पूरी तरीके से संसारिक जो आडंबर है ना, बाहरी, ना तो आप उसमें डूबे रहो, और ना ही बिल्कुल ही सब कुछ त्याग करके पूरी तपस्या में लीन हो जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। हमें बीच का जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, संभाव उत्पन्न होगा, यानी समानता होगी, और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का जो द्वार है वो पूरे संसार के लिए खोल पाएंगे। हमें क्या होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की, यानी मन जो होगा वो मुक्त होगा, ठीक है। तो और इसके विशेष में आप क्या लिखोगे, जैसे ये जो है खा खा कर, तो इसमें जो ये खा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता में गीतात्मक शैली है, भाषा सहज सरल और सुबोध है। तीसरा पद्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतराई। अब यहाँ पर जो है ये आई सीधी राह से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आई न सीधी राह से इनका मतलब है कि जीवन में जो संसारिक छल छद्म होते हैं उस रास्ते पर वो चलती रही, है ना। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम सेतु क्या है, हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, जिसमें से एक नाड़ी को कहा गया है सुषुम्ना, है ना, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर वो खड़ी रही। फिर है जेब टटोली, अब यहाँ पर जो जेब टटोली है उसको क्या कहा गया है, आत्मलोचन करना, कौड़ी ना पाई यानी कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पर है माझी, माझी को वैसे कहते हैं नाविक यानी नाव चलाने वाला, लेकिन यहाँ पे माझी का जो रूप है ना, किसका मतलब किसका प्रतीक बताया है यहाँ पे माझी को, ईश्वर का या गुरु का, और उतराई यानी मेहनताना देना। अब इसमें क्या बताया है कवित्री ने, यहाँ पे प्रसंग में आप लिखोगे, सत्कर्म ही जीवन को भवसागर से पार करते हैं, ठीक है। जो हमारे कर्म होते हैं, जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, वो ही हमें भवसागर से यानी इस समाज से, है ना, समाज रूपी भवसागर से पार करते हैं। इसलिए यहाँ श्रेष्ठ कर्मों का महत्व बताया गया है। अब कवित्री अपने पूर्ण जीवन के जो कर्म है, मतलब अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो भी कर्म करे हैं, उस पर विचार करते हुए वो कहती है कि जब मैं इस संसार में आई थी, है ना, आई सीधी राह, जब मैं संसार में आई थी तब शुद्ध थी और निर्मल थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन इस संसार में आकर मैंने क्या कर, मैं किस चीज में पड़ गई, स्वार्थ में, छल में, कपट, बेईमानी आदि विकार मैंने पाल लिए, मैंने इन्हीं में अपना जीवन लगाए रखा। यही कारण है कि मैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। मतलब यही वजह है कि जब मैं सुषुम्ना रूपी पुल पर पहुंची तो वही खड़ी रह गई, इतने में ही जीवन रूपी जो दिन था वो समाप्त हो गया। और जब मैंने भवसागर पार करने के लिए अपने सद कर्मों का विवरण देखा, मतलब जब मैंने
मतलब रिमाइंड किया सारी चीजें, जब अपने जो भी कर्म थे उनको सोचा विचारा उस पे, तो उसमें एक भी श्रेष्ठ कार्य नहीं मिला। मतलब उसमें एक ऐसा सिंगल कोई काम नहीं मिला जो मैंने श्रेष्ठ करा हो, मेरा कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म हो। तब मैं सोचती रह गई कि मेरे पास सदकर्मो रूपी मेहनताना, मतलब सदकर्म जो बताया गया है वो मेहनताना बताया गया है, ठीक है, सदकर्म रूपी जो मेहनताना है ही नहीं तो परमात्मा रूपी नावक है ना, परमात्मा के रूप में जो नाविक है, जो नाव चलाने वाला है, को भव सागर पार करने के लिए मैं क्या दूं, है ना। मतलब इस संसार से मुझे पार लगाने के लिए मैं उस नाविक को, अपने ईश्वर को मैं क्या दूं। अर्थात वे इस संसार के आडंबरों में बहक जाती हैं, जिससे उनका जो मिलन है परमात्मा से वो नहीं हो पाता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया और ना ही अब कुछ करने का समय उनके पास रह गया है। उन्हें पछतावा होता है कि भवसागर रूपी समाज को पार करके जब जाएंगी तब परमात्मा उनसे उतराई के रूप में उनके पुण्य कर्म मांगेंगे, है ना, तो वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगी। मतलब जब ईश्वर उसको इस संसार से लेकर के जाएंगे तो वो है ना, एक तो वो लेके जाएंगे ईश्वर, फिर वहां ले जा करके उनसे जब वो, एक होता है ना कि जैसे अब हम कहीं पर जा रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल चलो आप ये मानो कि हमें किसी जगह पे जाना है, आप ऑटो लोगे टैक्सी लोगे, है ना, वो बंदा आपको वहां पे पहुंचाएगा तो आप उसको पैसे दोगे ना कुछ जो वो काम कर रहा है हमारे लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे कवित्री ये कह रही है कि जब ईश्वर मुझे इस संसार से, है ना, इस भवसागर से पार लगाएंगे और जब वो मुझे वहां लेकर के जाएंगे जहां पर वो है, तो मैं उनको क्या दूंगी। जब वो मुझसे उतराई मांगेंगे, जब मैं उतरूंगी वहां जाकर, तो वो जब मुझसे मांगेंगे कुछ, तो मैं, है ना, जब वो मुझसे मेरे सदकर्म मुझसे मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। तो यही यहाँ पर वो सोच रही है कि मैं उन्हें क्या ही मुंह दिखाऊंगी। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है, संसार रूपी जो सागर है पार करने के लिए सदकर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है, और रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, व्यवहारिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो है सुषुम सेतु, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब इसका वाक का लास्ट जो पद है वो है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पे थल थल क्या है, थल थल का मतलब है सब जगह, सब जगह या फिर सर्वत्र, ठीक है। फिर है शिव, शिव यानी ईश्वर, और साहिब से क्या मतलब है, यहाँ पे साहिब यानी स्वामी या ईश्वर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सर्वत्र मौजूद है, यानी हर जगह मौजूद है, स्वयं ही पहचान करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ओके, तो इन पंक्तियों में जो कवित्री है वो हमें भेदभाव, हिंदू मुसलमान और समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म करने का संदेश देती हैं, ठीक है। उनके अनुसार जो शिव है, ठीक है, उनके जो आराध्य हैं वो कौन है, शिव है। तो जो शिव है वो हर जगह बसे हुए हैं, चाहे वो जल हो, आकाश हो, धरती हो, या फिर प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वो किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच या भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि हिंदू मुसलमान को भी एक ही नजर से वो देखता है, ठीक है। यानी जो कवित्री है वो भेदभाव, हिंदू मुसलमान आदि समाज में जो बुराइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं उनका बहिष्कार करने के लिए हमें यहाँ पे कह रही है। तो कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान, है ना, प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं, इसीलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से ये कह रही है कि अगर तुम
अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं। और इस पद्य में विशेष क्या दिया गया है हमें? थल थल में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। और इस कविता में गीतात्मक शैली है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.